एक समय की बात है, एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ जी ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, मुझे पास ही के चौराहे तक जाना है और ये सामान लेकर जाने में तुम कितने पैसे लोगे? मजदूर बोला, आपकी मर्जी, जो देना है दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप कुछ सुनाते रहना। सेठ जी ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वनगमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को फिर से बुलाया। मजदूर दौड़ कर आया और बोला, क्या मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना दे। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो मैं कुछ बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ जी ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं सुनी? सेठ जी ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है, कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ जी को गुस्सा आया और बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, अब मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो मजदूर चला गया और दिखाई भी नहीं दिया। दूसरे दिन 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हो, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतने ही पड़ते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है मैंने, पर यहाँ पर भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कर रहा है, किसे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ जी को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाल कर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे वे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए आप अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सतगुरु जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गए। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तो मेरे सामने खड़ा है, अपनी आँखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन मात्र से ही तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। इसीलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जीवन में खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।